मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मसीह में आनंदित और आशीर्वादित हैं। आज का जो हमारा विषय है वह यह है कि अगर घर में लड़ाई या झगड़ा होता है तो क्या करें। हम जाएंगे यूहन्ना 14 का 27वां वचन पढ़ेंगे। वचनों में जाने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए। ऐसा करने से हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक पहुंचती है और आप सभी उस वीडियो द्वारा आशीष को प्राप्त करते हो। आमीन। हम जाएंगे यूहन्ना 14 का 27। मैं पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। यूहन्ना 14 27वां वचन लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ और मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। अगर हम एक विश्वासी है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उसके ऊपर चलते हैं तो हमें हमारे परिवार में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूहन्ना 14 का 27वां वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह शांति का राजा है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारे परिवार में शांति बनी रहे तो हमें इस विषय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हम एक और वचन निकालेंगे, मत्ती 7 उसका 1। मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। उसका दूसरा, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। वचन हमें बताता है कि हमें दोष नहीं लगाना चाहिए, जिस प्रकार हम दोष लगाते हैं उसी प्रकार हम पर भी दोष लगाया जाएगा। जब हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाकर घर के अंदर या परिवार में झगड़ा करते हैं तब हम शैतान को मौका देते हैं और शैतान उसी मौके का फायदा उठाकर घर की शांति को अशांति में बदल देता है और वो घर या फैमिली झगड़े का घर या झगड़े की फैमिली कहलाती है। अगर आपके फैमिली के कुछ लोग मसीह में हैं और कुछ लोग मसीह में नहीं हैं और इस वजह से आपके घर के अंदर हमेशा झगड़े होते हैं तो आपको इस विषय के लिए फैमिली वालों से झगड़े नहीं करना चाहिए बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और उनकी दोष लगाने वाली बातों को सहना चाहिए। सहना मसीह लोगों के जीवन में बहुत जरूरी है। कुछ मसीह लोगों को सहना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो किसी भी बातों को सह नहीं पाते। जैसे कि उन पर कोई दोष लगाता है तो वो उस बातों को सह नहीं पाते। जब आप सह नहीं पाते हो तो उस समय आपको परमेश्वर की जरूरत है। जब आप पर कोई दोष लगाए तो क्या करें? जब आप पर कोई दोष लगाए तो जो मसीह ने हमारे लिए कहा उसे याद करें। जैसे कि उसने हमारे लिए कांटों का मुकुट पहना, अपने हाथों में पाँव में कीले खाए, कितने कोड़े हमारे पापों के लिए कहे और उन्हें सहा, उस बातों को जब हम याद करते हैं तब हम सहन शक्ति को प्राप्त करते हैं। अगर आपको सहना पसंद नहीं है तो आज से सहना शुरू कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो कोई आप पर दोष लगाता है और आप उसका उल्टा आंसर देने जाए तो आप परीक्षा में पड़ जाए। सहना सीखे। आमीन। हम आगे बढ़ते हैं। जब हम सहना शुरू करेंगे तब परमेश्वर खुद हमारी फैमिली में कार्य करेगा। आमीन। हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है, बाकी का काम वो खुदा खुद करेगा। अगर हमें लगता है कि हमारे परिवार में मेरी गलती नहीं है फिर भी मुझे झगड़े का सामना करना पड़ रहा है तो भी हमें इस विषय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। कहीं ऐसा ना हो कि उस झगड़े के वजह से हम परीक्षा में पड़ जाए। यदि हमारे परिवार में परिस्थितियां बिगड़ी है या फिर झगड़े का माहौल बना रहता है तो उस समय हमें परमेश्वर के हथियारों को बांध लेना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, बाइबल बताती है। निकालिए मेरे साथ इफिसियों 6:10-11। मैं पढ़ता हूँ, 10। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। 11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। बाइबल हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांधने के लिए कहती है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको।
वचन हमें बताता है कि हमें सारे हथियार वो है जो है परमेश्वर के राज्य के बांध लेना चाहिए। शैतान हमेशा हमारे पीछे ही रहता है कि हम कब कुछ गलती करें और उसे मौका मिल जाए। हम घर में अगर छोटे से भी लड़ाई करते हैं ना, तो शैतान उसी समय मौका को प्राप्त करता है और उस छोटे से लफड़े को बड़ा बना देता है। तो हमें निडर रहना है, हमें सारे हथियारों को बांधना है। हथियार यानी कि क्या? जैसे कि प्रार्थना में मजबूत होना, विश्वास में मजबूत होना, उपवास में मजबूत होना, बाइबल के वचनों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना और परमेश्वर के सभी राज्य के जो काम है उसमें मजबूत होना। परमेश्वर के राज्य के काम यानी कि क्या, उसको भी मैं आज आपको बताता हूँ। परमेश्वर के राज्य के काम यानी कि जरूरी नहीं है कि आप एक पास्टर हो या फिर आप एक सेवक हो या फिर आप एक वर्शिपर हो तो ही आप परमेश्वर के राज्य में स्ट्रांग हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर के राज्य में स्ट्रांग होना यानी कि मजबूत होना यानी कि जैसे कि हम संडे के दिन चर्च जाते हैं, वहाँ पे जो भी चेयर होता है ना, उसे सही तरह के तरीके से लगाना, जैसे चप्पल है उसे लाइन में लगाना, जैसे अगर हॉल में किसी ने झाड़ू नहीं मारा है झाड़ू मारना, अगर किसी ने पोछा नहीं मारा है पोछा मारना, ये सब परमेश्वर के राज्य के कार्य है और इसमें हमें मजबूत होना है। माइक सिस्टम हो गया, उसे संभालना, ये सब हमें मजबूत बनाता है परमेश्वर के राज्य में जब हम ऐसे कार्य करते हैं।